सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर जीवन में ग्रस्ती का या झंझटों का विष भी पीना पड़े तो केवल केवल गले तक रहो, दिल और दिमाग पर मत लेकर आओ ना। दिल भी ठंडा रखो क्योंकि दिल में भावों का जन्म, प्रेम का जन्म होता है, दिल से ही दुनिया चलती है। और बुद्धि को भी बिल्कुल शीतल रखो, चंद्रमा की तरह एकदम शांत सुशीतल। जीवन में अगर दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तो चिंता मत करो, सही समय भी आएगा। वो कहा जाता है ना कि कभी कभी दुखों में लगता है प्रभु हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे, तो समझ लें उस समय आपकी परीक्षा की घड़ी है। और जब परीक्षा होती है तो उस समय शिक्षक हमेशा मौन रहते हैं ना, कि पहले इन विद्यार्थियों को परीक्षा देने दो, नंबर इनके बाद में देंगे, क्योंकि उस समय अगर परीक्षा के समय बता देंगे तो ये तो सब पास हो जाएंगे। इसलिए वो पहले परीक्षा के समय मौन रहेंगे। दुख हमें सुख की अनुभूति कराते हैं। अगर काले बादल ना हो तो जो अभी तारे चमक रहे हैं इस उजाले प्रकाश में दिखाई पड़ते हैं क्या? नहीं, उन तारों का सौंदर्य देखना है तो काली माँ को आना पड़ेगा। उसी तरह से अगर दुख नहीं आएंगे तो सुखों का आभास आपको होगा ही नहीं कि सुख क्या चीज है। भगवान ने एक सुंदर फूल बनाए हैं ना, उस सुंदर फूल में भी जो चारों तरफ कांटे लगाए हैं, उस कांटे से ये मत सोचिए कि इस कांटे ये इसको बदसूरत बना रहे हैं, नहीं, वो उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए हैं। उसी तरह से जीवन में सुखों का फूल खिला हुआ है, उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए भगवान ने दुख रूपी कांटे बनाए हैं, जिससे आप दुखों में से सुख को तलाश करें। जब आप भगवान से ये कहते हैं कि भगवान मुझे जीवन में उन्नत बनाइए, तो भगवान आपको संघर्ष से सामना करवाते हैं, क्योंकि जब तक नहीं करोगे तब तक उन्नत नहीं बनोगे। जब आप कहते भगवान हमारे जीवन में प्रेम प्राप्त हो, तो भगवान दरिद्रता से परिचय कराते हैं आपका, निर्धनता देंगे जिससे आप दूसरों की पीड़ा समझ सकें, उस कष्ट को जान सकें, उस दौर से गुजरकर आप वो बनेंगे, ये पक्का है बनेंगे। लेकिन आपके अंदर वो भाव पैदा हो जाएगा जो तुमने प्रभु से मांगा है। कोई संसार में कुछ बहुत बड़ी सफलता तो उसे चुनौतियों का सामना करना होगा, अपनों की चुनौतियों का, अपनों से भेदभाव का, जिससे तुम्हारी भेद दृष्टि मिट जाए। पर कुछ लोग उसका गलत निकाल लेते हैं और कुछ लोग उसे सही सकारात्मक भाव से सोचते हैं।